गुफ्तगू जो है दैट वॉज अबाउट द रियलिटी ऑफ साइंस, ठीक है, तो साइंस को कैसे पढ़ना है वो सारी गुफ्तगू हमने की थी। और हमने ये बात असल में कोई भी साइंस पढ़ने से पहले, चाहे वो बायो हो चाहे वो कोई भी साइंस हो, ये पढ़ने से पहले ये यकीनी बनाना जरूरी है कि हमें ये पता है कि नहीं कि साइंस क्या होता है। बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप साइंस पढ़ते हैं और उसमें अपने बिलीव या अपने जो है वो उसमें कहते हैं कि बड़ों से सुनी हुई बातें, खास तौर पे बड़ों से सुनी हुई बातें, आप यकीन करें हिकमत की बहुत सी बातें साइंस गलत साबित करती है, ठीक है। इसी तरीके से जो सूडो मेडिसिनरी है उसकी बहुत सी बातें जो हैं वो गलत साबित होती हैं साइंस के जरिए। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है इस नॉलेज को ना, तो इस वजह से एवरी टाइप ऑफ साइंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें इस एंगल से भी सोचना है कि हमें साइंस को कैसे पढ़ना है। हम उसके बाद फिर आगे चले थे कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट चीज ये समझेंगे कि साइंटिफिक स्टडी तो हमने कह लिया कि साइंटिफिक स्टडी किस लिहाज से करनी है, बट व्हाट इज लाइफ, हमने कहा था कि लाइफ को किस एंगल से देखना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले से मेरी मुराद पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये लिविंग पार्ट ऑफ नेचर की स्टडी है, ठीक है। अब अगर आप जब बात करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ नेचर की, तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपने नेचर को, इसका मतलब है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग, या दोनों के अंदर कैसे जो है वो फर्क लेकर आएंगे? तो इस हवाले से एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने होंगे। याद रखिए कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू कैम्बल, कंप्लीटली कोई भी, इवन रेविन जॉनसन जो है वो, रेविन जॉनसन बायोलॉजी, वो भी यही कहती है कि आप कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक दो क्लूज हैं जिनके जरिए, या आप यूं कह लीजिए कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है उनके जरिए हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये बात तो हमने ये तो क्लेम कर दिया कि सेट परफेक्ट डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस पर हम लाइफ को डिफाइन करते हैं। मैं तेजी से वो बताकर गुजरूंगा ताकि उसमें जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ना हमारा वेस्ट हो। सबसे पहले लाइफ के हवाले से ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर चंद एक चीजें जो खास तौर पर अवेलेबल हैं, वो ये है कि लिविंग थिंग्स आर इन ऑर्डर। अब ऑर्डर से मुराद जो भी ऑर्डर है वो हमारा डिफाइन किया हुआ, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को ऑर्डर कहते हैं या हम किसी चीज को डिसऑर्डर कहते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर भी और वो डिसऑर्डर भी हमारा डिफाइन किया हुआ है। उसमें लाइफ को, लाइफ जैसे मुनासिब समझती है, यूं कह लीजिए कि नेचर, नेचुरल सिलेक्शन जैसे मुनासिब समझती है, वो किसी भी चीज को फेवर कर सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से कहते हैं कि फलां चीज ऑर्डर में है तो एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें ऑर्डर में होने के हवाले से जो पहला कैरेक्टर है उसमें किसी भी चीज की ऑर्डर में होने के हवाले से क्या मुराद है, वो ये है कि सबसे पहले उसकी शेप ऑर्डर में हो। लेकिन शेप का ऑर्डर भी तो हमारी मर्जी है ना, हमने कहा ना शेप का ऑर्डर, तो इसका मतलब ये है कि नेचर हमारी मोहताज तो नहीं है। नेचर, नेचुरल सिलेक्शन जिस चीज को भी ऑर्डर समझेगी वो उसको फेवर कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फेवर कर रही है इस चीज को कि फलां चीज जो है वो मछली की शेप की होगी और फलां चीज परिंदे की शेप की होगी, तो वो हमारी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनको ऑर्डर में कहा जा रहा है कि वो चीजें ऑर्डर में हैं। आई एम सॉरी, प्लीज एक मिनट रुकिएगा, बहुत जरूरी फोन है जी। सलाम अलैकुम सर जी, अल्लाह का शुक्र जी सर जी 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 ठीक है ठीक है। मेरी भी उनसे बात हुई थी, वो परसों का टाइम ही, उन्होंने मुझे भी यही कहा था। मैंने कहा बेहतर ये है कि आप सरफराज साहब से फाइनल करें इस बात को ना, तो इसलिए उन्होंने कहा चलें मैं, हाँ जी मैंने ही कहा था, असल में वो परसों का कह रहे थे, मैंने आपसे कल की बात की हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि आप सरफराज साहब से फाइनल करें फिर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह परसों के रेडी हूँ। जज़ाकअल्लाह सर, अस्सलाम जी। मुझे जरा थोड़ा सा स्पेयर कीजिएगा, असल में थोड़ी सी जो है ना वो कुछ इमरजेंसीज हैं जिनको डील कर रहा था मैं। अच्छा जी,
अब यहाँ पर जो है वो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंटरप्शन नहीं आएगी। मैं ये बात कर रहा था कि वो जो ऑर्डर परिंदों और जो भी जानवरों का, मछलियों का, अगर शेप का कोई ऑर्डर है, अगर उनका कोई मैकेनिज्म्स का ऑर्डर है, तो वो हमारी मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि नेचर ने उस चीज को ऑर्डर ऑर्डर में एक एक ऑर्डरली वे दे दिया। अब असल में ऑर्डर का मतलब क्या है? असल में ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि जो चीज हमें भाती है तो वो ऑर्डर में है और चीज हमें नहीं भाती वो ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है वो किसी भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में हो, किसी भी एरिया के हिसाब से, किसी भी फिनोमिना के हिसाब से वो चीज जो है वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में हो। उसकी कोऑर्डिनेशन में जो उसकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से वो चीज अपने ऑर्डर से आउट हो जाएगी। ठीक है, इसकी सिंपल मिसाल लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जो है वो एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम ह्यूमन की बात नहीं करते, ह्यूमन जो है उसके बारे में हम कहते हैं इट इज हाईली एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और इसके ऑर्डर में जब गड़बड़ होती है तो हमारे सामने कई तरह की डिजीजेस जो है वो जन्म लेती हैं। लेकिन मैं ऑर्डर के हवाले से जिस ऑर्गेनिज्म की मिसाल आपको देने लगा हूं वो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में से एक, यानी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि बैक्टीरियल ऑर्डर उतना सिंपल है नहीं जितना हम समझते हैं, बट लेट्स कंसिडर दैट इट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके पास एक सर्कुलर डीएनए है एंड इट हैज नो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि इसका अब सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया जो है, हाउ डज ए बैक्टीरियम क्रिएट एटीपी? आप में से किसी के पास इसका आंसर है कि बैक्टीरियम जो है वो एटीपी कैसे बनाता है? जी, एनीबडी, सर सवाल रिपीट एनीबडी, कीजिएगा। कोई भी बैक्टीरियम एटीपी कैसे बनाता है? सर ऑर्गेनली की बात हो रही है या वैसे ही? नहीं, असल में मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर वो नहीं होता, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं होता। इसका मतलब है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। तो वो बैक्टीरिया एटीपी कैसे बनाते हैं? खैर, मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूं। वो बैक्टीरिया एटीपी इस तरह से बनाते हैं कि इन बैक्टीरिया के पास जो है मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ये कहते हैं मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम। अब ये जो मीसोसोम्स है इनके जरिए ये क्या बनाते हैं? ये अपनी एटीपी बनाते हैं। अब ये एटीपी क्यों जरूरी है? असल बात की तरफ अब आते हैं। ये एटीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल, आपने बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। जब भी बैक्टीरिया को अपना डीएनए रेप्लिकेट करने की जरूरत पेश आएगी तो बैक्टीरिया को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एटीपी की जरूरत पड़ेगी। वो एटीपी कहां से लेगा? वो मीसोसोम नामी ऑर्गेनल से लेगा। ठीक है, अब ये मीसोसोम नामी ऑर्गेनल से जब अपनी एटीपी लेगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से एटीपी मिलना बंद हो जाए, अगर यहां से एटीपी रिसीव होना बंद हो जाए, इसका ऑब्वियस मतलब क्या है? इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि जो बैक्टीरियल ऑर्डर है वो आउट हो जाएगा, वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकेगा। हम क्या करते हैं, चले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम एंटीबायोटिक जब बैक्टीरिया को देते हैं तो बैक्टीरिया के वो, फॉर एग्जाम्पल, हम बैक्टीरियल एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है? कि बैक्टीरियल सेल ऑर्डर से बाहर चला गया, ऑर्डर में नहीं रहा। और जब वो ऑर्डर में नहीं रहा तो अंडरस्टूड मतलब है उसकी अल्टीमेटली या डेथ होगी या हमारी बॉडी उसको किल कर देगी। ऑर्डर का मतलब ये है, ऑर्डर का मतलब दिखने में खूबसूरत नहीं है, क्योंकि दिखने में कोई चीज अगर खूबसूरत लगती है तो वो हमारी डेफिनेशन है। बहुत सी चीजें हमें खूबसूरत नहीं लगती, दूसरे इंसानों को खूबसूरत लगती हैं, वो हमारी डेफिनेशन है। असल में ऑर्डर का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट ऐसी हो आउटस्टैंडिंग कि उसमें हर चीज अपने फंक्शन के लिहाज से ऑर्डरली अरेंजमेंट में हो, तो वो चीज जो है वो क्या कहला सकती है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर हो सकती है। लेकिन नेचर में और भी बहुत सी चीजें हैं जो ऑर्डर में हैं। नेचर में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके अंदर जो है वो बड़ा परफेक्ट ऑर्डर है। जैसे आप कहते हैं बारिश होती है, अब बारिश के अंदर जो फिनोमिना है क्या वो लिविंग है? वो लिविंग नहीं है। ठीक है, कार्बन साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, फॉस्फोरस साइकिल चलता है, इसी तरीके से और एलिमेंट्स के साइकिल चलते हैं। हमारे यहाँ पे जो है वो वॉल्केनोज इरप्शन होती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें बड़ा ऑर्डर हमें नजर आता है। प्लेटों का एक जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका अरेंज होना, अर्थ का जो है वो एक अरेंजमेंट, वाटर की अरेंजमेंट,
ये जो पहाड़ हैं इनकी अरेंजमेंट बड़ा ही स्पेसिफिक किस्म का ऑर्डर दिखता है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। उनमें भी ऑर्डर अगर मौजूद है तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम अदर कैरेक्टर, बिकॉज द ऑर्डरली अरेंजमेंट इज नॉट इनफ टू डिफाइन समथिंग एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो लेट्स मूव फर्दर। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसा चेंज आ सकता हो जिसको नेचर एक्सेप्ट करे। ठीक है, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि उसके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आए, जेनेटिक मेकअप की अडेप्टेशन। ठीक है, जेनेटिक मेकअप की अडेप्टेशन है और वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सर्वाइवल का जो है वो सर्वाइवल की जो एक खसूसियत है, सर्वाइवल का कैरेक्टर है वो मौजूद हो, वो अपने आप को उस वक्त की जिस टाइम में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो अपने आप को उस टाइम की जो है वो हैजर्डियस फैक्टर्स से या उस टाइम के जो डिफिकल्ट पैरामीटर्स हैं उनके लिहाज से ढाल सके, तो ये भी जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो मिसाल हो सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, रेगुलेशन। ये मैं सबसे एंड पर पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको फिर एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आप कभी रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। एनर्जी प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोसेसिंग क्या है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो ऑर्डर में है जिसके अंदर अडेप्टेशन मौजूद है, अगर उसको एनर्जी रिसीव करने की जरूरत पड़ रही है या अगर उसको एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, तो वो दोनों काम कर सके, यानी एनर्जी रिसीव भी कर सके और वो एनर्जी लॉस भी कर सके, वो उसके उसके अंदर ऑर्डर भी मौजूद हो, उसके अंदर वो भी मौजूद हो, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन भी मौजूद हो प्लस एनर्जी वाला मैकेनिज्म भी हो, तो फिर वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट काउंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में याद रखिए कि ग्रोथ जो है वो उसमें दोनों तरह की चीजें होती हैं। ग्रोथ, एक ऑर्गेनिज्म एक बहुत छोटे लेवल से ग्रो हो और उसके बाद वो डेवलप भी हो। ठीक है, रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं रहा, देन इट इज नियरली डेड, नॉट अल्टीमेटली डेड बट इट इज नियरली डेड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के काबिल है, वो एनर्जी प्रोसेसिंग करता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर ऑर्डर है, उसके अंदर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है। ठीक हो गया, रिप्रोडक्शन ठीक है ये कर सके, और उसके बाद रेगुलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं सबसे एंड पे बताऊंगा। बेटा रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, एनीबडी एनी गेस व्हाट इज रेगुलेशन? रेगुलेशन, आप बॉडी रेगुलेशन को छोड़ें, किसी भी लिहाज से रेगुलेशन क्या होता है? जी, नो नो गैस, याद रखिए रेगुलेशन होता है, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस होता है कि बॉडी के कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड, और जब बॉडी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लिए जाते हैं तो उसके बाद उस बॉडी को उसके अराउंड फ्लक्चुएट किया जाता है, बॉडी फ्लक्चुएट अराउंड सर्टन स्टैंडर्ड। ठीक है, फ्लक्चुएट अराउंड सर्टन स्टैंडर्ड। अब इसकी मिसाल मैं आपको जो है वो बताता हूं, और जो ऑर्गेनिज्म अपने स्टैंडर्ड के गिर्द जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते, उन ऑर्गेनिज्म को जो है वो आप डेड ही कंसिडर कर लें तो बेहतर है। ठीक है, इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, ह्यूमन बॉडी से दूंगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोअर लेवल तक जाऊंगा। सबसे पहले इसकी मिसाल आप देख लीजिए हमारी बॉडी के अंदर। जी बेटा, मिनिमम मैक्सिमम ग्लूकोज, मैक्सिमम ग्लूकोज लेवल जो ब्लड का होता है वो कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए जिससे ज्यादा ग्लूकोज लेवल डेंजरस होता है? जी जल्दी से। किसी को नहीं आता, जो ग्लूकोज लेवल होता है
उसके बारे में याद रखिए कि हमारा हमारी बॉडी का जो स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है ग्लूकोज का, वो है 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी ब्लड के 100 ml में 100 mg जो है ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहां पर जो है वो इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। इस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ये वो पॉइंट है जिसको हम साइंसी जबान में या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम पॉइंट है। ऑप्टिमम पॉइंट का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम पॉइंट का मतलब ये होता है कि बॉडी इस पॉइंट पर बेस्ट परफॉर्म करेगी। ये स्टैंडर्ड रखा गया है हमारी बॉडी का, किस लिहाज से? ग्लूकोज के हिसाब से। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। हम ग्लूकोज लेवल हमारा मैक्सिमम पता है कहां तक जा सकता है? हमारा ग्लूकोज लेवल मैक्सिमम जा सकता है जो होम्योस्टेसिस, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि ये काबिले बर्दाश्त है, वो है 120 mg आउट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। और लोएस्ट कहां तक जाना चाहिए? 80 mg आउट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। अब देखिए ये जो चीज है, यानी बॉडी में एक पॉइंट है आप जिसके इर्द गिर्द फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है। और मिडिल पॉइंट आपके पास है कि आप 100 mg पर रहें तो इट वुड बी मच बेटर। लेकिन क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने गुंजाइश रखी कि वो 120 और 80 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर सकता है, इसके दरमियान में फ्लक्चुएट होने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो चीज है, यानी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को, किसी भी पैरामीटर को मेंटेन करना, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं रेगुलेशन। इस पॉइंट को आप नाम देते हैं रेगुलेशन का, यानी बॉडी अब अपने आप को यहां पर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। दिस इज रेगुलेशन, और इसको आप कहते हैं होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर लाइफ को सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करना हो, ओनली इन अ सिंगल सेंटेंस, चंद वर्ड्स में इस्तेमाल करना हो, चंद वर्ड्स में आपने लाइफ को डिफाइन करना हो, तो वो क्या होगा? वो है स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिक, बल्कि आप कह लीजिए स्टेट ऑफ होम्योस्टेटिक कोऑर्डिनेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी नेचर में, अगर किसी ऑब्जेक्ट में होम्योस्टेटिक कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट लिविंग है। अंडरस्टूड? इसके बाद आपको किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस की गुंजाइश है, होम्योस्टेटिक उसके अंदर जो है वो अबिलिटी, होम्योस्टेटिक कैरेक्टर उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, होम्योस्टेटिक को मैं जो है वो सिंपल अल्फाज में अगर कहूं तो उसके अंदर अगर रेगुलेटरी कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। और अगर उसके अंदर रेगुलेटरी कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो या वो मर चुका है या मरने वाला है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या लिविंग होना उसकी रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। यानी आप ये देख लीजिए, मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं। आपको होम्योस्टेसिस का तो पता ही है ना, होम्योस्टेसिस का तो अंदाजा हो गई। जी बेटा, हाँ जी, क्या हुआ आज माइक ऑन ना करने की ठानी हुई है? एक्सक्यूज मी सर, आप होम्योस्टेटिक के अबाउट पूछ रहे हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है? जी, वही पूछ रहा हूँ। वही जो अभी डिस्कस हुआ है कि बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस होती हैं उनको बॉडी रेगुलेट करती है जो अपने सर्टेन स्टैंडर्ड्स पर, तो यही होम्योस्टेसिस होता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं एक्चुअली आपसे बात पूछ के आगे बात करना चाह रहा था, इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बॉडी को एक सर्टन स्टैंडर्ड पे मेंटेन रख सके, वो ऑर्गेनिज्म या लिविंग नहीं है या उसकी डेथ होने वाली है। याद रखिए दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं होम्योस्टेसिस के हिसाब से, ये भी आप सुन लीजिए, ये अगरचे काफी आगे कॉन्सेप्ट है लेकिन सुन लीजिए। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप कहते हैं कंफॉर्मर्स। कंफॉर्मर्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू मेंटेन, डू नॉट हैव एबिलिटी टू मेंटेन,
इनके पास मेंटेनेंस की एबिलिटी नहीं होती, तो क्या ये डेड है? नहीं, ये डेड नहीं है। इनमें ये सेंस मौजूद है कि इनके लिए आइडियल इन्वायरमेंट कौन सा है, यानी अगर ये मेंटेन नहीं कर सकते तो ये किस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं आइडियल इन्वायरमेंट में, यानी इनके अंदर कम से कम ये सेंस मौजूद है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल है, कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है। और यही सेंस होना किस चीज का दूसरा नाम है? होम्योस्टेसिस का दूसरा नाम है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रॉग है, अब फ्रॉग के अंदर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं है, वो कन्फॉर्मर है, थर्मो कन्फॉर्मर। कुछ मछलियां हैं, मछलियां ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हो सकती हैं, यानी अगर आप एक फ्रेश वाटर फिश को मैरीन वाटर में रख देंगे देन इट कैन बी डाई, इट कैन डाई। व्हाई? बिकॉज दैट फिश कैन नॉट सर्वाइव इन इन द वाटर विदाउट सॉल्ट। अब वो क्या है? वो ऑस्मो कन्फॉर्मर है, यानी उसके अंदर फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर एबिलिटी तो नहीं है लेकिन वो आइडियल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं। अब ऐसी सूरत में आप इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे कि ये डेड है? नहीं, ये डेड नहीं है, इनके अंदर होम्योस्टेटिक सेंस है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेंस भी होगी वो भी लिविंग पार्ट ऑफ नेचर कहलाएगा, यानी वो अपने आप को मेंटेन करने की, रेगुलेट करने की सेंस रखता है। स्ट्रेटेजीज नहीं है, वो एक अलग बात है, सेंस जरूर है उसके अंदर। दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप कहते हैं रेगुलेटर्स, जो क्या कर सकते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट की के, जिनके पास असल में सिंपल बात यह है, जिनके पास होम्योस्टेटिक स्ट्रेटजीज होती हैं, इनके पास स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, ये इन स्ट्रेटजीज के जरिए अपने आप को क्या कर सकते हैं, ये इन स्ट्रेटजीज के जरिए अपने इन्वायरमेंट को फ्लक्चुएट कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सिंगल सेंटेंस डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है ये दोनों पर पूरा उतरती है। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें होम्योस्टेटिक एबिलिटी है, होम्योस्टेटिक कोऑर्डिनेशन जिसमें मौजूद है, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा। दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसमें नहीं है वो या तो डेड है या मरने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। तो इस तरह के कैरेक्टर जिन ऑर्गेनिजम्स में हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग पार्ट कहते हैं, और उनकी साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? उनकी साइंटिफिक स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर की साइंटिफिक स्टडी करना। ठीक है, यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर एक टॉपिक आता है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों ने अगर आप जाहिर सी बात है कि आप लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो आपने यकीनन 9th क्लास में ये या पार्ट 1 में ये टॉपिक जो है मौजूद है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि लाइफ किन किन स्टेप से होकर कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, किन किन स्टेप से होकर कॉम्प्लेक्स होती है, मैंने ये डिटेल में नहीं सिर्फ इसके लेवल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला लेवल इसका एटॉमिक लेवल है, यानी लाइफ की हार्मनी कहाँ से स्टार्ट होती है? एटॉमिक लेवल से, इवन सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होती है। मेरे कहने से यहां पर क्या मुराद है? मेरे कहने से मुराद ये है कि अगर आपने लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, किन चीजों से मिलके लिविंग ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचे हैं, वहां उस लिहाज से जब आप बात करते हैं तो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी हम करना शुरू करते हैं कि लाइफ की ईंटें कौन सी हैं, लाइफ को बनाने वाली चीजें कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले एटॉमिक लेवल आता है, उसके बाद हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल आता है जिसमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो जो लेवल आता है उसको आप कहते हैं सेल लेवल। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैंने इतनी तेजी से ये सारे लेवल क्यों गुजारे बेटा? याद रखिए, ये दो सेल लाइफ में कंट्रीब्यूट तो जरूर कर रहे हैं, इनके कंट्रीब्यूशन लाइफ में जो है वो इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम ओवरऑल ट्रिलियंस ऑफ एटम्स का, मतलब क्वाड्रिलियन ऑफ एटम्स का जो है वो मजमुआ है, हमारे अंदर इतने ज्यादा एटम्स मौजूद हैं, लेकिन एटम डज नॉट फुलफिल द कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो हमारी फॉर्मेशन है वो बनी उन चीजों से है जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, लेकिन वो क्या चीज थी जिसने हमारे सेल्स को लिविंग कर दिया? मैं अभी थोड़ी देर एक सेंटेंस दोहरा के उसके बाद इस तरफ आता हूं बेटा। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल पर जाकर लाइफ शुरू होती है वो है सेल लेवल। सेल लेवल से पहले कोई लाइफ नहीं है। अगर सेल लेवल से पहले कोई लाइफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दीज आर
दैट दीज डू नॉट हैव एनी लाइफ बट दे कंट्रीब्यूट टू लाइफ। सो सेल लेवल पे आकर ही हम क्यों कहते हैं कि यहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इससे पहले लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? जी बेटा, सेल लेवल पर ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका आंसर बताइए। सर, इससे पहले होम्योस्टैटिक कैरेक्टर नहीं है। ये आपने आखिरी बात कर दी, ठीक है। वो जो कैरेक्टर्स हम पढ़ के आए हैं, आप वो कैरेक्टर्स भी बोल सकती थी, लेकिन आपने आखिरी बात कर दी कि इन दोनों में से किसी एक चीज में भी होम्योस्टैटिक कैरेक्टर्स नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अगर मॉलिक्यूल बिगड़ जाता है तो वो अपने आप को खुद ठीक नहीं कर सकता। सोचें जरा, अगर हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बिगड़ जाता है तो हमें दो तरह की डिजीज होती है, या हमें हो जाती है एनीमिया या हमें हो जाता है थैलेसीमिया, ठीक है। अगर हमें हमारा प्रोटीन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बिगड़ जाता है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो मॉलिक्यूल अपने आप को खुद रिपेयर करने की सलाहियत नहीं रखता। जीन जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, वो परमानेंट हो जाती है, और वो म्यूटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होम्योस्टेसिस सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता। सो होम्योस्टेटिक कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज व्हाई वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको आप, वो जो लेवल्स हैं एटम और मॉलिक्यूलर लेवल, उनको आप लाइफ नहीं कह सकते। बट द सेल हैज द एबिलिटी टू मेंटेन, इधर इट कैन एग्जिस्ट इन एन आइडियल एनवायरमेंट और इट कैन मेंटेन इट सेल्फ एट ए स्टैंडर्ड। और जब सेल अपने आप को मेंटेन कर लेता है देन इट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। दैट इज वाई हम कहते हैं कि सेल जो है वो उसके वही है वो लेवल जिसको आप लाइफ कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं सेल्स की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की टाइप्स है ना, इसके बारे में एक और बात भी सुन लीजिए। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों को हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ की डोमेन्स हैं, लाइफ विद इन दीज डोमेन्स एग्जिस्ट करती है, इनसे बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। ये किंगडम से भी ऊंचा लेवल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाजिमन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ना पढ़ा हो, हमारी क्लासिफिकेशन की 6-7 डिग्रीज हैं, किंगडम फाइलम, जिसमें से हर एक को आप क्या कहते हैं, हर एक को आप टेक्सॉन कहते हैं, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सब का जो, इन सब को अगर आप एक जो है वो डिब्बे में बंद करें तो उस डिब्बे का नाम क्या होगा, डोमेन होगा। ये लाइफ की डोमेन्स हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बहुत बुनियादी फर्क है, और वो फर्क जो है वो हम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या जिक्र किया कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स का डिफरेंस है। ये जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, ठीक है, जैसे गॉल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन अब यहां अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा अपडेट कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना अपडेट कीजिए। ये जो डोमेन्स ऑफ लाइफ है मैंने आपको दो बताई है, एक्चुअली डोमेन्स ऑफ लाइफ तीन है, लेकिन ना आपको एफएससी की बुक में मिलती है ये बात, ए लेवल में तो ये बात डिस्कस ही नहीं होती, ना आपको मैट्रिक की बुक में ये बात मिलती है। याद रखिए, एक तीसरी जो चीज है, जो डोमेन है वो एग्जिस्ट करती है, और वो है आर्किया। आर्किया, ये आर्किया बेसिकली कौन से ऑर्गेनिज्म है बेटा? ये आर्किया वो ऑर्गेनिज्म है जिनको आप बैक्टीरिया की कैटेगरी में लेकर आते हैं। बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में और आर्किया कैटेगरी में, लेकिन आर्किया कैटेगरी जो है वो इन दोनों से इतनी डिफरेंट है, इतनी डिफरेंट है कि हम कहते उनको बैक्टीरिया ही हैं। आर्किया को हम कहते बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स वाली कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो जिन ऑर्गेनिज्म्स को आप प्रोकैरियोट्स कहते हैं, आर्किया उस कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप आर्किया को थर्ड डोमेन बना देते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, जरा गौर कीजिए, मैं अब आपको जो लिख कर देने लगा हूं, सबसे पहले आता है डोमेन, ठीक है, उसके बाद आता है किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इससे आगे नहीं जा रहा, अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, ये जो डोमेन है, डोमेन इसके अंदर जो है वो तीन तरह की डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं प्रोकैरियोट्स, फिर आपने क्या नाम लिया, आर्किया,
और तीसरे नंबर पे क्या एग्जिस्ट करते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, अब डोमेन्स की जब आप बात करते हैं तो मैं अब आप लोगों को जो है वो एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूं। जो प्रोकैरियोटिक डोमेन है उसमें एक किंगडम एग्जिस्ट करता है जिसको आप कहते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ये जो प्रोकैरियोट्स की डोमेन है, आर्किया के किंगडम्स टोटल अलग है, सेपरेट देन बोथ अदर्स, सेपरेट देन अदर्स। इसके वो किंगडम है ही नहीं जो हम पढ़ते हैं। हम आमतौर पे कितने किंगडम पढ़ते हैं, फाइव किंगडम्स पढ़ते हैं। ठीक है, फाइव किंगडम्स में एक किंगडम आप किस डोमेन में रख देते हैं, प्रोकैरियोट्स में। आर्किया के किंगडम्स जो हैं वो तो हमने अभी तक पढ़े नहीं है, और जो यूकैरियोट्स के किंगडम हैं वो रिमेनिंग फोर हैं, वो जो फाइव आपने पढ़े हुए हैं उनमें से बाकी चार जो हैं वो यूकैरियोट्स के किंगडम्स हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि ये जो डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं ये किसकी बेस पर डिफाइन हुए हैं। अब आपको यहां पर अंदाजा हो जाना चाहिए, वैसे अगर आप आंसर देना पसंद करें तो जरूर इसका आंसर दे दीजिए कि ये किस बेस पर डिफाइन हुए हैं, तीन डोमेन्स किस बेस पर डिफाइन हुई हैं। सेल टाइप की जी, ये जो तीनों बेसिस हैं ये बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, तीनों डोमेन्स जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर डिफाइन हुई हैं। यानी आपका जो बुनियादी सेल को डिवाइड करने वाली जो बुनियादी चीज है वो ये है कि जो ये जो सेल हैं ये असल में इनका इनका डिजाइन असल में क्या बताएगा, इनका डिजाइन असल में हमें ये बताएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ डोमेन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप किस एरिया में रखते हैं, लाइफ के कौन से पार्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा, यानी हमारा बेसिक मेकअप जो है वो सेल है। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो हमें हम रुक कर, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो बताइए, हम यहां पर जो है वो एक लम्हे को रुकते हैं। सर, अभी आर्किया को आपने फर्दर डिस्कस करना है या बस जो कर लिया है नहीं, इसको थोड़ा? आर्किया को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा माइक्रो का चैप्टर होगा बैक्टीरिया वाला उसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं उसी चैप्टर में, इस बुक के अलावा भी एक और बुक है उससे थोड़ा सा आर्किया का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा ताकि हमें वो भी क्लियर हो जाए। जी, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद चलते हैं। सानिया बेटा, अगर आप कंफर्टेबल हैं माइक ऑन करने में तो अपनी मौजूदगी का जरा एहसास दिलाइए। आप बिल्कुल चुप बैठी हैं। अच्छा, यहां से जो है वो हम एटॉमिक लेवल, हमने अभी बात की थी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तीन हमने लेवल के, एटॉमिक लेवल, मॉलिकुलर, सेलुलर लेवल। उसके बाद हम उसके बाद आगे चलते चले जाते हैं और सेलुलर लेवल के बाद हम कहते हैं टिश्यू लेवल आता है, उसके बाद जो है वो ऑर्गन लेवल आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद हम कहते हैं कि जी इंडिविजुअल लेवल आता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आती हैं। इंडिविजुअल लेवल के बाद मल्टी इंडिविजुअल लेवल आता है जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, और अल्टीमेटली आप किधर तक जाते हैं, आप जाते हैं बायोस्फियर तक। याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, बायोस्फियर तक जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना तरतीब, इस तरतीब को बहुत सी बुक्स में उल्टा पढ़ा जाता है, यानी बात शुरू की जाती है बायोस्फीयर से। ये आप देख रहे हैं, ये जो बुक है कैम्बेल की, इसमें भी पहला जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, ये जो अप्रोच है जिसमें इन ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल रिवर्स मेकअप, जिस तरह का हमने पढ़ा हुआ है उससे रिवर्स मेकअप में पढ़ा जाता है, इसको आप जो है वो नाम देते हैं, एक अप्रोच आती है, मैं आपको यहाँ पर जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल गया। अप्रोच को अंडरस्टैंड क्या हुआ मेरे माइंड को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस अप्रोच
आप कहते हैं रिडक्शनिज्म, यानी जब आप बायोस्फीयर से आप लेवल्स छोटे करते चले जाते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर से बायोस्फीयर से पहले क्या आता है, बायोस्फीयर से पहले आता है आपका बायोम्स, ठीक है, बायोम्स के बाद आपका आता है इकोसिस्टम, ठीक हो गया, इकोसिस्टम से पहले आता आता है आपका कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी से पहले आपका आता है पॉपुलेशन। अब जब आप इस रिवर्स लेवल की तरफ जाते हैं, यानी अपनी स्टडी को बड़े लेवल से शुरू करते हैं बायोस्फीयर से और रिवर्स लेवल की तरफ आते हैं, यानी अपना जो दायरा कार है उसको रिड्यूस करते चले आते हैं, अपनी स्टडी का जो सर्कल है उसको रिड्यूस करते हुए चले आते हैं, इस अप्रोच को आप कहते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है, इस अप्रोच को नाम दिया जाता है रिडक्शनिज्म का। और जो हायर बुक्स हैं उनमें जो पढ़ने का तरीका है वो यही है, यानी आप जो है वो इन चीजों को उल्टा पढ़ते हैं, ना कि एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये भी पढ़ने का कि आप बायोस्फीयर से शुरू करें और उसको एटॉमिक लेवल तक लेकर आएं, इट इज अ वेरी गुड मेथड। लेकिन हम मेथड यूज करते हैं, यानी हम कहां से शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं एटॉमिक लेवल से और हम कहां जाते हैं बायोस्फीयर तक, इसको भी नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मेथड ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि हम ये पढ़ते हैं कि हर न्यू लेवल पे क्या नई प्रॉपर्टीज इमर्ज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है कि नहीं, जब हाइड्रोजन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन जैसे ही दोनों जो हैं वो ज्वाइन होते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि वो वाटर बन जाता है, ठीक है। तो हर लेवल के ऊपर जैसे जैसे आप अपना लेवल हाई करते हैं, न्यू से न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज होना शुरू होती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी हर न्यू लेवल पर एक नई प्रॉपर्टी जो है वो इमर्ज होती है एवरी न्यू लेवल। तो ये भी एक तरीका है और ये वो तरीका है जो हम आमतौर पे अपनी बुक्स में पढ़ते आए हैं, जब हम अपने बचपन से जो बुक्स पढ़कर आए हैं उन बुक्स में यही तरीका मौजूद है कि एटॉमिक लेवल से नई प्रॉपर्टीज के साथ अब अगले लेवल पर मूव करते चले जाते हैं। तो ये एक जो है वो तरीका है, ये भी एक तरीका है बायोलॉजिकल लेवल स्टडी करने का, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेथड। अब इसके बाद देखिए कि एक चीज और जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इस वजह से मैं इन चीजों को बहुत तेजी से गुजारूंगा। देखिए बायोलॉजी में टोटल 5 किस्म के थीम्स हैं, टोटल 5 थीम्स होते हैं हम बायोलॉजी को जिसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो हमने स्टडी की अभी, कि रिडक्शनिज्म अप्रोच है, बायोस्फीयर से शुरू करते हैं एटॉमिक लेवल तक जाते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म इंफॉर्मेशन अपनी अपनी एक्सचेंज करते हैं। हमने इन 5 थीम्स को डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला थीम हमने पढ़ लिया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला, अब आइए दूसरे थीम की तरफ। जो दूसरा थीम है वो है एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो वाल्डेन से बच्चों में और बच्चों से आगे उनके बच्चों में ट्रांसपोर्ट होती है। लाइफ के प्रोसेस में ये बड़ी जरूरी चीज है कि जो इंफॉर्मेशन है वो वाल्डेन से बच्चों में आगे से आगे ट्रांसफर हो और अगली नस्लों में वही इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट जाए जो पिछली नस्लों में मौजूद है, ठीक है। तो दूसरा जो थीम है बायोलॉजी का वो ये, हम अपनी स्टडी को किसके गिर्द घुमाते हैं, हम अपनी स्टडी को जो है वो एक थीम है ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा थीम है इंफॉर्मेशन का, कि हम बायोलॉजी को बायोलॉजी में अपनी स्टडी को इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के गिर्द भी घुमाते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है, पिछली नस्लों में इंफॉर्मेशन कैसे आई, अगली नस्लों में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी और वो इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारा कुछ जो है ये भी बायोलॉजी का थीम है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे मबनी एक ये थीम हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट थीम, ये सारी चीजें हमने आगे पढ़नी है, देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है, हमने ये सब कुछ आगे पढ़ना है। देन अगला थीम है लाइफ का ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे
हर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एनर्जी बनाते हैं, वो अपने यूज करते हैं, फिर जो एनर्जी रह जाती है वो कंज्यूमर्स में जाती है, कंज्यूमर्स बहुत तरह के होते हैं, और उसके बाद वो डिकम्पोजर्स में जाती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है ये लाइफ का या बायोलॉजी का थीम है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, यानी इकोसिस्टम समझना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप बायोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। ये देखिए, ये मैंने जो भी नाम बताया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और उसके बाद वो डिकम्पोजर्स तक जाती है, ये उन्होंने बताया हुआ है एनर्जी फ्लो एंड केमिकल साइकिलिंग। ये उन्होंने एनर्जी फ्लो और केमिकल साइकिलिंग बताया हुआ है कि हमारी बायोलॉजी तीसरे नंबर पे जिस चीज के घूमती है वो एनर्जी फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी बना कैसे रहा है और उसके बाद उससे एनर्जी आगे कैसे जा रही है, इस भी हमारी जो बायोलॉजी है वो फोकस करती है। नेक्स्ट थीम आता है इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या कहते हैं कि कोई कोई से भी दो ऑर्गेनिज्म या कोई से भी दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेक्ट का मतलब ये होता है कि उनके दरमियान में डिफरेंट इंफॉर्मेशन का तबादला होता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो आइदर हार्मफुल होती हैं या वो फायदेमंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेडिटर है, वो इंटरेक्ट कर रहा है अपने प्रे, यानी शिकारी जो है वो शिकार के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है, उसको शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि दो मेल और फीमेल जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं? सबसे पहले उनके दरमियान में जो है वो एक अट्रैक्शन होती है, ये मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से फूड, फूड भी एक इंटरेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट टेम्परेचर को इंटरेक्ट करना, टेम्परेचर के साथ कि टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज हो रहा है, उसके अलावा बारिश, ये तमाम चीजें ये इंटरेक्शन की मिसाल है। तो हम ये जो है वो इंटरेक्शन में ये चीजें पढ़ते हैं बायोलॉजी में। कि पहला थीम कौन सा था? पहला थीम था ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा थीम था इंफॉर्मेशन यानी कैसे अगली नस्ल में ट्रांसफर होती है, तीसरा थीम था फ्लो ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और चौथा इंटरेक्शन। ठीक है, अब आखिरी पांचवा देखते हैं, पांचवा है एवोल्यूशन। पांचवा जो कैरेक्टर है दैट इज कोर थीम ऑफ बायोलॉजी, ये है एवोल्यूशन। बेटा ये जो थीम है ना, आप यहां एवोल्यूशन पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आप किसी भी बुनियाद पर आप अगर ये समझते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, या आप ये समझते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इन एनी केस आप एवोल्यूशन का इंकार भी कर दें, तब भी एवोल्यूशन वो टॉपिक है जिसके बगैर बायोलॉजी को पढ़ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आप रट्टा मार के पढ़ते हैं, आप कहते हैं जी फला चीज में ऐसे होता है, फला चीज में ऐसे होता है, फला चीज में ऐसे होता है। आप बायोलॉजी की अप्लाइड फील्ड्स पढ़ते हैं जिसमें मेडिकल आ जाता है, अप्लाइड फील्ड्स पढ़ते हैं और आप खूब अप्लाई करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री आपकी बड़ी फ्लरिश कर रही है। लेकिन अगर आपने साइंटिफिक वर्क करना है, अगर आपने साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, देन यू हैव टू एग्री विद द एवोल्यूशन एट सम प्लेसेस। ये ऐसा कोर थीम है बायोलॉजी का कि इसके बगैर आपकी इस फील्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपको ये पता है कि बायोलॉजी, आप केमिस्ट्री पढ़े बगैर बायोलॉजी आप समझ नहीं सकते। आप अंदाजा करें कि आप अभी तक बायोलॉजी पढ़ते भी आ रहे हैं और पढ़ाते भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती, यू कैन नॉट इवन, यू डू नॉट इवन डिजर्व टू टीच, और यू डू नॉट इवन डिजर्व टू स्टडी बायोलॉजी। बुनियादी तौर पे हमें जिस अंदाज में पढ़ाया जाता है वो एक इंतहाई फेक अंदाज है, इंतहाई फेक अंदाज है। क्यों फेक अंदाज है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते, हमें पढ़ाया जाता है ये चीज ऐसे है तो है, उसमें ये नहीं क्लियर किया जाता कि इसके पीछे पूरी लॉजिक क्या है, इसलिए हमें अहमियत भी नहीं पता होती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप बायोलॉजी के बहुत से फील्ड में से आप केमिस्ट्री को नहीं निकाल सकते, बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजी को कंप्लीटली समझने के लिए आप उसमें से एवोल्यूशन नहीं निकाल सकते। मैं एवोल्यूशन दोनों तरह की बात करूं, एक होती है माइक्रो एवोल्यूशन, एक होती है मैक्रो एवोल्यूशन, ये किसी और टाइम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक और कोर थीम है बायोलॉजी का जिसके बगैर आप जो है वो बायोलॉजी को पढ़ना वो साइंटिफिक अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच वो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक रट्टा मार अप्रोच तो हो सकती है। जैसे एवोल्यूशन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, और वो ये है
कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में एक हार्मनी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के अंदर ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है। इसके अंदर जो सीलिया है वो भी उन्हीं प्रोटीन्स का बना हुआ है जिन प्रोटीन्स की हमारे नेजल कैविटी और रेस्पिरेटरी कैविटी में सीलिया बने हुए हैं। यानी वही सेंट्रियोल्स जो पैरामीशियम में सीलिया बनाते हैं, पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, वही सेंट्रियोल जो पैरामीशियम में जो है वो सीलिया बनाते हैं, एग्जैक्टली वही सेंट्रियोल हमारे नोज में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया बनाते हैं। यानी एग्जैक्टली वही प्रोटीन्स हैं, वही सेंट्रियोल्स हैं। तो ये हार्मनी ऑफ लाइफ है, दिस इज एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बगैर आप लाइफ को स्टडी नहीं कर सकते। आप बिलीव करें कि आपकी बहुत सी स्टडीज जो हैं, बहुत सी डिजीजेस, उनको पहले बाकी मैमल्स पर इसीलिए स्टडी किया जाता है कि इसके ह्यूमन के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। चिंपैंजीज पे, मॉन्कीज के ऊपर इसीलिए डिस्कस किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि ह्यूमन के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं और उसका कितना लीथल इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक कॉमन बॉडी ऑर्डर अगर ना होता, समझिए, अज्यूम करें कि अगर ये कॉमन बॉडी ऑर्डर ना होता तो हम बहुत सी रिसर्चेज के हिसाब से हम इतनी आगे अभी तक गए ही ना होते। हमें ह्यूमन पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते। और ये कॉमन बॉडी ऑर्डर जो है ये किस बात का सबूत देता है? ये एवोल्यूशन का सबूत देता है। सो इट इज वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ बायोलॉजी, यानी एवोल्यूशन, ठीक है। ये चार्ल्स डार्विन की सारी डिस्कशन इंशाल्लाह अगले एवोल्यूशन के चैप्टर्स में आएगी। ट्री ऑफ लाइफ क्या है ये मैं अब आपको बता देता हूँ। ट्री ऑफ लाइफ ये है कि आप एंसेस्टर्स की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। एंसेस्टर्स की बुनियाद पर आप कैसे करते हैं, यानी एक बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स आप सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल जो है वो आपको आपको पता है कि वो जो क्लासिफिकेशन है वो आती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली और जीनस और स्पीशीज, ठीक है। अब होता क्या है, होता कुछ यूं है कि ह्यूमन और चिंपैंजी, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, ह्यूमन और चिंपैंजी, तो ह्यूमन और चिंपैंजी के दरमियान में फर्क कहां पर आकर आता है, इस जगह पर, फैमिली में। बाकी ये तीन जो हैं, ये ह्यूमन और चिंपैंजी इन दोनों में कॉमन है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इनके इनका बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद है। ट्री ऑफ लाइफ ये बताता है कि फला ऑर्गेनिज्म किधर से इवॉल्व हुआ, उसके एंसेस्टर्स कौन हैं, और कोई से वो ऑर्गेनिज्म्स के कॉमन एंसेस्टर्स कौन से हैं। और उसके साथ साथ हमें ट्री ऑफ लाइफ ये बताता है कि अगर यहां पर ये दो, जैसे ये और ये इस जगह से आगे सेपरेट हो गए, ठीक है, तो व्हाई डिड दे सेपरेट, इनकी सेपरेशन क्यों हुई, ये जो दो फील्ड्स हैं ये अलग अलग क्यों हुए, इनके अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर आया जिसने इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा कर दिया, ठीक है। ये भी आपको ट्री ऑफ लाइफ बताता है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ट्री ऑफ लाइफ है ये हमें बेसिकली ये बता रहा है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उससे लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को रिफाइन कर रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को खूब से खूबतर बना रहे हैं, वो क्या कैरेक्टर्स हैं या वो क्या चेंजेस है जो इनके अंदर आए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ बायोलॉजी जो कि हमारे जहनों में होना चाहिए। बाकी ये मैंने आप लोगों से काफी बातें कल डिस्कस कर ली थी थेरी वगैरह के हवाले से, इसको आप देख सकते हैं। ये चैप्टर जो है इसको हम ऐसे ही रखते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाया करता हूँ। थेरीज इन साइंस, ये भी जो है ये वही चीज है जो मैंने कल आपको बताई थी कि थेरी को पढ़ना जो है वो बड़ा डिफरेंट अंदाज है साइंस में और अदरवाइज, ठीक है। तो ये बड़ी डिफरेंट अंदाज है। यहाँ पे एक टॉपिक है वो मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर वेरिएबल्स एंड कंट्रोल्स केस स्टडी द फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, क्वेश्चंस दैट कैन बी एंड कैन नॉट बी आंसर्ड बाय साइंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके साइंस आंसर देती है? अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, हर चीज टेस्टेबल है, ठीक है, और हर चीज ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दैट इनविजिबल कैंप ग्राउंड गोस्ट आर फूलिंग विद योर फ्लैश लाइट, यानी आप गोस्ट का, जब आपके पास सबूत कोई नहीं है तो फिर आप उसको साइंस में स्टडी, उसका साइंस उसका आंसर कोई नहीं देती, ठीक है।
टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, ये देखिए ये वो चीज है जो साइंस का थीम है। साइंस में जो भी रिसर्च होती है वो टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती है। अब हर दफा ना तो मैंने आपको कहा था कि अल्लाह ताला की जात का हर दफा का बराबर इदराक होता है, फिर अगर टेस्टेबल चीज है तो टेस्टेबल में हर चीज टेस्टेबल नहीं होती। जो जो चीज ऑब्जर्वेबल इक्वली ऑब्जर्वेबल नहीं है, इक्वली टेस्टेबल नहीं है, वो चीज साइंस के दायरे में नहीं आती। साइंस उन चीजों के आंसर नहीं दे सकती, ठीक है। नाइदर, ये देखिए अगली बात, इट कैन नाइदर सपोर्ट नॉर कॉन्ट्राडिक्ट द इनविजिबल गोस्ट हाइपोथेसिस। यानी आप या स्पिरिट्स हैं या एल्व्स यानी फरिश्ते हैं, परियां, ये बुराई अच्छाई, ठीक है, और इसी तरह सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन, सुपर नेचुरल वही गोस्ट वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें क्योंकि टेस्टेबल नहीं है। साइंस कहती है कि ये चीजें टेस्टेबल नहीं है, और अगर ये चीजें टेस्टेबल नहीं है देन देर इज नो, देर विल बी नो डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स इन साइंस, ठीक है। सो वी मस्ट बी विजिलेंट स्टडिंग साइंस एंड वी मस्ट हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विद इन द कॉन्फ्रेंस और इन द मीटिंग ऑफ साइंस साइंटिस्ट देन वी मस्ट कीप दिस इन माइंड दैट दैट हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, दैट हाइपोथेसिस कैन बी फॉल्सिफाइड और इट कैन गेट स्ट्रॉन्गर बट इट शुड बी टेस्टेबल, ठीक है। सो ये है टोटल कोर ऑफ बायोलॉजी साइंस, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे से स्टार्ट हो रहा है।